जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तिवारी ज्योति में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी हम रास्ते में जाते रहते तो हमें पैसे, रुपये या फिर सिक्का गिरा हुआ मिलता है, तो उस पैसे, उस रुपये को हमें क्या करना चाहिए? हमें रखना चाहिए या वहीं छोड़ देना चाहिए, या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं और इस पैसे से हमारी उन्नति कैसे होगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसे हम रास्ते में जाते रहते हैं तो हमें कुछ रुपए पड़े हुए मिल जाते हैं, सिक्का या नोट, तो उस रुपए का हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, वो जो रुपया जो होता है वो किसी की कमाई हुई मेहनत होती है और उसे आप लेकर खर्च कर दें। आप खुद जानते हैं कि अगर किसी का पैसा गिरा हो, चाहे वो 5 रुपया 10 रुपया ही क्यों ना हो, उसका मन उसी में अटका रहता है कि मेरा पैसा कहाँ गिर गया, पता नहीं किसको मिला होगा किसको नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये रुपए मिलते हैं तो आपको उस रुपए से कुछ मिठाई या कुछ ऐसा सामान खरीद कर भगवान के चरणों में चढ़ा दें और भगवान से प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, ये जिस किसी का भी जो रुपया मुझे मिला है और इससे मैंने जो आपको प्रसाद चढ़ाया है, ये मान लीजिए प्रभु जी की उसी की तरफ से मैंने चढ़ाया है, उसके जीवन में, उसके घर में उन्नति हो, साथ में मेरे घर में भी उन्नति और सुख शांति दें, प्रभु से यही प्रार्थना करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका जो रुपया आपने लिया है उससे उसके भी जीवन में सुख शांति आएगी, भगवान की कृपा मिलेगी और आपके भी जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और भगवान की कृपा आप पर विशेष बनी रहेगी। दोस्तों, ऐसा करने से जीवन में उन्नति बढ़ता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जो भी आपकी मनोकामनाएँ हैं उसे भी प्रभु पूरा करते हैं। एक सकारात्मक विचार है और इसे करने से बहुत लाभ मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, इससे प्रभु भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू जय महाकाल लिखकर जरूर बताएं।